हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं कुछ न्यूमेरिकल्स, अप्लाइड मैकेनिक्स फोर्स से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो एग्जाम में पूछ जाते हैं। और जिस न्यूमेरिकल को मैं करवाने जा रहा हूं, खासकर वो 2 साल पहले पूछा गया था, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन, ये नहीं तो इससे संबंधित मिलता जुलता क्वेश्चन हर बार एक पूछा जाता है, इसलिए आप इस तरह के क्वेश्चन को ना छोड़े, इसे जरूर करें, ठीक है। वीडियो हम कर ही रहे हैं, ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं, तो क्वेश्चन करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए करते हैं इस न्यूमेरिकल को। क्वेश्चन ये है, दो बल एफ और दो एफ एक कण पर क्रियाशील है। यदि प्रथम बल को 8 किलो न्यूटन बढ़ा दिया जाए और द्वितीय बल को दुगुना कर दिया जाए तो उनके परिणामी की दिशा अपरिवर्तित रहती है, तो एफ का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहां पर हमको दो शर्तें दे रखी है, तो इसको सॉल्व करते हैं। दो शर्तें हैं, पहली शर्त तो हमारे पास में दो बल है एफ और 2F, ठीक है। इनके बीच जो एंगल है, दिशा है, वो क्या है, हम मान लेते हैं कि दोनों के बीच में अल्फा एंगल है, ठीक है, अल्फा ले लो, थीटा ले लो, जो भी है। दूसरी कंडीशन ये है कि यहां पर पहला जो बल है वो F प्लस 8 किलो न्यूटन है और दूसरा जो बल है वो 2F की जगह दुगना होगा, मतलब 4F हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में यहां पर जो एंगल है वो भी क्या होगा, अल्फा ही होगा, ठीक है। तो हम दोनों कंडीशन को लगाते हैं। जब पहली कंडीशन लेते हैं हम, तो हमारे पास में जो टेन अल्फा है उसका जो फॉर्मूला लेंगे वो क्या लेंगे हम, यहां पर जो हमारे पास में जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास में, इन बलों को इस तरह से ले लेते हैं, ये दो बल दे रखे हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये तो जाएगा हमारा F1, ये हो जाएगा F2, तो इनके हम घटक लेते हैं इस तरह से, इन अक्षों के प्रति हम घटक लेते हैं। तो यहां पर टेन अल्फा का फॉर्मूला होता है F2 साइन थीटा बटे F1 प्लस F2 cos थीटा, ठीक है। थीटा ही देगा, हम यहां पर अल्फा ले लें तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो थीटा ही रहेगा यहां पर ना, क्योंकि थीटा क्या होता है, दोनों के बीच का कोण होता है और यहां पर जो परिणाम वाली दिशा होती है वो अल्फा होती है। तो अब जब ये मान रखेंगे, ठीक है, तो इसमें रखेंगे तो टेन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा F2, F2 क्या है यहां पर पहली कंडीशन में 2F साइन थीटा ही रहेगा बटे F1 F है प्लस 2F cos थीटा, ये हमारा मान है टेन अल्फा का मान, एक नंबर दे दो इसको। दूसरी कंडीशन हम यहां पर अप्लाई करेंगे, इसका मतलब ये है कि हम F की जगह F प्लस 8 किलो न्यूटन लेंगे और 2F की जगह 4F लेंगे, तो यहां पर टेन अल्फा दिशा परिवर्तित रहती है, मतलब परिणामी की बल वही रहेगा टेन अल्फा बराबर, तो यहां पर हम लेंगे यहां पर 4F साइन थीटा बटे F मतलब यहां पर ये होगा F प्लस 8 किलो न्यूटन प्लस 2F मतलब F2, यहां पर होगा 4F cos थीटा, दो नंबर। अब देखो हमारे पास में टेन अल्फा और टेन अल्फा, समीकरण एक और दो में देखेंगे तो दोनों टेन अल्फा के मान है, तो समीकरण एक और दो से देखते हैं, समीकरण एक व दो से दोनों टेन अल्फा के मान है, इसका मतलब हम दोनों को बराबर लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों बराबर लिख सकते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे 2F साइन थीटा बटे F प्लस 2F cos थीटा बराबर, यहां पर होगा 4F साइन थीटा बटे F प्लस 8 किलो न्यूटन प्लस 4F cos थीटा, ये हमने मान रख दिए इन दोनों समीकरणों को बराबर। अब देखो कुछ चीजें कट रही हैं यहां पर, सबसे पहले तो ये चीजें दोनों एक दूसरे के बराबर में हैं, ना इनके बीच में कोई चिन्ह है, इसलिए हम सीधे काट सकते हैं। ये साइन थीटा कट गया, F से F कट गया, दो से एक बार कटेगा और ये दो बार कट गया, मतलब हमारे पास में यहां पर एक बचेगा नीचे F प्लस 2F cos थीटा बचेगा,
यहां पर बचेगा दो और नीचे एफ प्लस आठ किलो न्यूटन प्लस फोर एफ कोस थीटा बचेगा। अब इसको हम वर्गमूल करेंगे, वर्गमूल करने पर देखो ये पूरी संख्या इससे गुणा होगी, ठीक है, गुणा होने पर क्या हो जाएगा, ये एक से गुणा होके तो संख्या ऐसे कैसे रहेगी, मतलब एफ प्लस आठ किलो न्यूटन प्लस फोर एफ कोस थीटा बराबर दो से गुणा करने पर संख्या क्या हो जाएगी, दो एफ प्लस दो दूनी चार एफ कोस थीटा। अब देखो ये जो संख्या है फोर एफ कोस थीटा और फोर एफ कोस थीटा, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं, हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा एफ प्लस आठ किलो न्यूटन बराबर ये बचेगा हमारे पास में टू एफ। इस एफ को इधर ले जाते हैं, देखो हो सकता है कि यहां पर आपको दिख नहीं रहा हो तो मैं इस हिस्से में सोल्व कर देता हूं, इस हिस्से में हो जाएगा इतना सही है, यहां पर एफ को मैं इधर ले जाता हूं तो हमारे पास में बचेगा आठ किलो न्यूटन बराबर टू एफ माइनस एफ, तो यहां पर एफ बचेगा मतलब एफ का मान निकल कर आएगा हमारे पास में आठ किलो न्यूटन, ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, ठीक है, आप इसको एक बार कर लें, आप अपने रफ कॉपी में लिखें और इसको एक बार आप खुद करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा सवाल है, हर बार पूछा जाता है, ठीक है। आपको अगर ये सवाल पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपकी मैकेनिक्स से संबंधित, मैकेनिक्स हो, फ्लूइड मैकेनिक्स हो, हाइड्रोलिक्स हो, ठीक है, या फिर सॉलिड मैकेनिक्स, सोम या मोस्ट, जो भी जो मैकेनिकल या सिविल के जो भी सब्जेक्ट होते हैं उसमें आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपकी हर समस्या का समाधान जरूर करूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, धन्यवाद।